राजधानी नई दिल्ली से एक दुखद समाचार आ रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका इलाज चल रहा था, उनके पुत्र चिराग पासवान ने ये जानकारी दी है। रामविलास पासवान बिहार के बहुत बड़े दलित नेताओं में से एक थे। 1969 में पहली बार चुनाव लड़कर वो विधायक बने थे और उसके बाद से करीब 32 सालों के अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने 11 बार चुनाव लड़े, जिसमें से 9 बार वो विजयी रहे। अगर मैं बात करूं रामविलास पासवान की, तो वो इस समय बिहार के हाजीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जैसा मैंने कहा कि एक बहुत बड़े दलित नेता की उनकी छवि थी। 5 जुलाई 1946 खगड़िया जिले के शाहरबन्नी गांव में जन्मे रामविलास पासवान के पास एक अनूठा रिकॉर्ड भी था और वो रिकॉर्ड था 6 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में काम करने का अनुभव। मैं आपको बता दूं कि 1974 में उन्होंने जनता दल ज्वाइन किया और उसके बाद जब देश में इमरजेंसी लगी तो करीब 2 साल तक वो जेल में रहे। साल 2000 में जनता दल से उनके संबंध खराब हुए और उन्होंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी। इस समय उनका एक बेटा चिराग पासवान, जिनको हम जानते हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं और अभिनय में भी हाथ आजमा चुके हैं, वो हैं। और इसके अलावा उनकी 3 पुत्रियां हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़मीन से जुड़े रहते हैं, चाहे वो कितने भी ऊंचे पदों पर क्यों ना पहुंच जाएं, और इसीलिए रामविलास पासवान जी को याद किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें भारत के रेल मंत्री के तौर पर काम करने का सौभाग्य मिला था 1996 से लेकर 1998 तक, और इसके अलावा वो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे 1999 से 2000 के बीच, केंद्रीय खनिज मंत्री रहे 2001 से 2002 के बीच, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री रहे 2004 से 2009 मनमोहन सिंह जी के साथ, और इस समय वो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो एक तरह से देखें, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी काम किया, मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया, मोदी जी के साथ भी काम किया, एक अलग ही छवि रही। 11 बार चुनाव लड़कर 9 बार जीतना, आप समझ सकते हैं कि लोकप्रियता का कौन सा आयाम उन्होंने देखा होगा। एक बहुत ही मजबूत दलित नेता की उनकी छवि रही, ज़मीन से जुड़े रहे, और ये बात उनके बारे में हमेशा कही जाती है कि उन्होंने अलग अलग पोर्टफोलियो संभाले, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, देश में बहुत अलग तरह के दौर देखे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरजेंसी के दौरान वो 2 साल जेल में भी रहे। 1969 में करियर की शुरुआत की अपने राजनीतिक करियर की, फिर 1974 में जनता दल ज्वाइन किया, उसके बाद 2 साल जेल में रहे इमरजेंसी के दौरान, फिर 2000 तक जनता दल से संबंधित रहे, फिर 2000 में अपनी पार्टी खुद की बनाई और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मैं अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को सांत्वना देता हूँ इस दुख की घड़ी में। और चिराग पासवान जो इस समय राजनीति में भी सक्रिय हैं, ईश्वर उन्हें इस दुख से लड़ने की शक्ति दे, और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। और जब भी कोई हमारे बीच से जाता है तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम उसके जीवन से अगर कुछ सीख सकें तो वो उसको सच्ची श्रद्धांजलि होती है। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर उनके जीवन से हम कुछ सीख सकें तो वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा।